आज मैं आपको फैमिली लिलेसी के बारे में बताऊंगी। इसे लिली कुल या प्याज कुल भी कहा जाता है। अब इसकी वर्गीकृत स्थान, सिस्टमेटिक पोजीशन, डिवीज़न एंजियोस्पर्मी, सब डिवीज़न मोनोकोटिलेडनी सीरीज़ है, कोरोनरी फैमिली है लिलेसी। अब इस लिलेसी के विशिष्ट लक्षण इस प्रकार से हैं कि इसके अधिकांश सदस्य एक वर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं। एक वर्षीय का मतलब है वे पौधे जो बीज अंकुरण से लेकर जीवन चक्र की संपूर्ण क्रियाएं एक वर्ष में पूर्ण करते हैं। द्विवर्षीय वे पौधे जो दो वर्ष में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। इसके सदस्य प्रकंदयुक्त या शलकंदयुक्त होते हैं। शलकंदयुक्त का मतलब है कि बल्बस होते हैं, भूमिगत रिड्यूस तना जो मुख्यतः मांसल और फूली हुई पत्तियों के आधार द्वारा बना होता है। इसके अधिकतर पौधे जो होते हैं वो शाक होते हैं, शूप होते हैं और वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं। इसके पर्णमूलज का मतलब है ऐसी पत्तियां जो रिड्यूस्ड भूमिगत तने से विकसित होती है। यह स्तंभीय होती है। इसकी पत्तियां ऐसी पत्तियां जो केवल मुख्य तने पर ही लगती है। अननुपर्णी से तात्पर्य है कि पत्ती के कक्ष में यदि पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है तो उसको स्टिप्यूल या अनुपर्ण कहते हैं और इसमें नहीं पाई जाती तो इसको अननुपर्णी कहते हैं। पुष्पक्रम इसमें कई प्रकार के होते हैं, जैसे असीमाक्षी। असीमाक्षी का मतलब है असीमित पुष्पक्रम जिसके पुष्प सवृंत होते हैं। दूसरा है पेनिकल या यौगिक असीमाक्ष भी कहते हैं, जब असीमाक्ष पुष्पक्रम शाखित हो जाता है। और समशिक से तात्पर्य है ऐसा असीमित पुष्पक्रम जिसका पुष्पाक्ष छोटा और चौड़ा होकर शीर्ष पर न्यूनाधिक चपटा हो जाता है और जिसमें बाहरी पुष्प पहले विकसित होते हैं। अब पुष्प सैपत्री, सैपत्र से मतलब है पुष्प के आधार के पास पाई जाने वाली एक रूपांतरित लघुकृत पत्ती के समान संरचना को सैपत्र कहते हैं। त्रिज्या सम्मित से तात्पर्य है पुष्प को किसी भी अक्ष से लंबवत काटा जाए तो वह दो समान भागों में बंटता है, तो उसे त्रिज्या सम्मित या एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। त्रितई या ट्राइमेरस से मतलब है ऐसा पुष्प जिसके प्रत्येक चक्र में सदस्य तीन या तीन के गुणक होते हैं। उभयलिंगी या बाइसेक्सुअल ऐसा पुष्प जिसमें पुमंग और जायंग दोनों उपस्थित होते हैं, तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जायंगधर से मतलब है हाइपोगाइनस या ऐसा पुष्प जिसमें अंडाशय ऊर्ध्वर्तियों और पुष्प के शेष सब भाग अंडाशय के नीचे स्थित होते हैं। परिदल पुंज द्विचक्रीय। परिदल का मतलब है कि जब बाह्य दल और दल पुंज में स्पष्ट भेद नहीं होता है, दोनों के लिए सामूहिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला शब्द है ये। जब बाह्य दल और दल पुंज में अंतर नहीं होता है तो उसे परिदल पुंज कहते हैं। ये तीन और तीन के दो चक्रों में पाया जाता है, प्राय दलाब होता है। दलाब से मतलब है कि जब परिदल हरे रंग का न होकर दलपत्र जैसा रंगीन होता है तो परिदल पुंज को दलाब कहते हैं। पुनकेसर छः होते हैं, तीन तीन के दो चक्रों में पाए जाते हैं। परिदल लग्न एपिफिलस या पृथक पुनकेसरी होते हैं। पृथक पुनकेसरी का मतलब है ऐसा पुमंग जिसके पुनकेसर
पराकोष व भूतंतु एक दूसरे से पूर्णतः अलग हो और जायांग त्रिअंडपी होता है। त्रिअंडपी से मतलब है कि तीन अंडपों से बना जायांग होता है। युक्त अंडपी दो या अधिक अंडपों वाला ऐसा जायांग जिसके अंडप परस्पर जुड़े हों। अंडाशय ऊर्ध्वर्ती होती है। ऊर्ध्वर्ती से मतलब जब अंडाशय पुष्प के बाह्य दल और पुंकेसर के ऊपर होता है तो उसे ऊर्ध्वर्ती अंडाशय कहते हैं। ओवरी की स्थिति ऊपर हो, बाकी फ्लोरल पार्ट्स नीचे से निकलते हैं तो वह ओवरी सुपीरियर होती है। स्तंभीय बीजांडन्यास या एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। इसका मतलब है इसमें यौगिक अंडाशय के केंद्रीय अक्ष पर बीजांड लगे रहते हैं। अंडाशय बहुकोष्ठीय होता है। प्राय कोष्ठकों की संख्या अंडपों की संख्या के बराबर होती है। इसमें फल प्राय कैप्सूल के रूप में होता है। अब इसके प्राप्ति स्थान और वितरण। ये एक बीजपत्री पौधे का अपेक्षाकृत एक बड़ा कुल है जिसमें लगभग 254 वंश और 4075 पादप जातियां सम्मिलित हैं। इस कुल के सदस्य सामान्यतः विश्व के अधिकांश भागों में पाए जाते हैं, परंतु मुख्यतः गर्म समशीतोष्ण एवं उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल क्षेत्रों में बहुलता से पाए जाते हैं। भारत में इस कुल के 35 वंश और 189 जातियां पाई जाती है जो मुख्यतः हिमालय क्षेत्रों में वितरित हैं। अब इसके कायिक लक्षण। कायिक लक्षण में प्रकृति एवं आवास। इस कुल के सदस्य सामान्यतः बहुवर्षीय शाक होते हैं। शलकंद बल्ब जैसे लीलियम प्याज के द्वारा कायिक जनन व चिरस्थायी रहते हैं। एस्पेरागस और ग्लोरियोसा आरोही पादप है। ग्वार पाठा अलॉय एक शूप है। स्माइलेक्स की कुछ जातियां काष्ठीय आरोही जो पर्णाक्षत से विकसित पर्ण प्रतानों की सहायता से ऊपर चढ़ती है। युक्का और ड्रेसिना की अनेक जातियां बड़ी झाड़ियों एवं छोटे वृक्षों के रूप में पाई जाती हैं। इसकी जड़ अपस्थानिक रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। एस्पेरागस और क्लोरोफाइटम ट्यूब्रोसम जिसे सफ़ेद मूसली कहते हैं की जड़ें भोजन संचय के कारण फूल कर मोटी हो जाती है। तना। युक्का और ड्रेसिना व कुछ अन्य सदस्यों में काष्ठीय तना पाया जाता है और उनकी आंतरिक संरचना में द्वितीयक वृद्धि भी पाई जाती है, परंतु इस कुल के अधिकांश सदस्यों में शाकीय या विभिन्न प्रकार के भूमिगत तने पाए जाते हैं जैसे कॉल्विकम ऑटमेनेल में घनकंद के रूप में पाया जाता है तना, भूमिगत तना। पेरिस क्वाड्रिफोलिया में प्रकंद के रूप में पाया जाता है और एलियम सीपा प्याज और अर्जीनिया में शलकंद या बल्ब के रूप में भूमिगत तना पाया जाता है। एस्पेरागस में पर्णाव पर्व या क्लेडोड और रसकस में पर्णाव स्तंभ फिलोक्लेड पाए जाते हैं। फिलोक्लेड का मतलब है हरे रंग का चपटा या गोलाकार मांसल तना जिसमें पत्तियां बहुत कम विकसित या कांटों में रूपांतरित होती हैं। इसमें अनेक पर्व व पर्व संध्याँ होती हैं। और क्लेडोड जो होता है पर्णाव पर्व, इसका मतलब है ऐसा फिलोक्लेड जिसमें केवल एक या दो पर्व हों। अब है पत्ती। पत्ती आधारीय या मूलज जैसे प्याज में
या स्तंभीय होती हैं। ये एकांतरित कभी कभी सम्मुख होती हैं जैसे ग्लोरियोसा में, या चक्रीय जैसे ट्राइलियम में हो सकती हैं। ग्लोरियोसा सुपरबा एक बहुवर्षीय कंदिल शाकीय आरोही पादप है। इसमें पौधे का आरोहण पर्ण शीट्स या लीफ टिप द्वारा संभव हो पाता है, जो लंबा होकर सर्पिल प्रतान रूप से आधार के चारों ओर चिपक जाता है। पत्तियां सरल व अनुपर्णी, परंतु स्माइलेक्स में अनुपर्णी होती है। पत्तियों की आकृति रेखिक या अंडाकार, रस्कस में पत्तियां शल्की तथा एलियम में बेलनाकार, खोखली व केंद्रिक प्रकार की होती हैं। स्माइलेक्स में अनुपर्ण प्रतान में रूपांतरित हो जाते हैं। शिराविन्यास, इसमें समानांतर शिराविन्यास पाया जाता है, परंतु पेरिस व स्माइलेक्स में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। अब इसके पुष्पीय लक्षण। पुष्पीय लक्षण में सबसे पहले पुष्पक्रम आता है। इसमें असीमाक्ष पुष्पक्रम पाया जाता है, परंतु अनेक विविधताएं भी दृष्टिगोचर होती है, जो निम्न प्रकार से हैं।